ये फिल्म की कहानी जब सुनाया मुझे हमारे मनोज नारायण जी, मैं इस फिल्म से इतना रिलेट कर पाया, इतना अपने आप को जोड़ पाया, क्योंकि मैं इस फिल्म का जो थीम है उससे बहुत जाना पहचाना व्यक्ति हूँ। मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे जिले का रहने वाला हूँ, गाजीपुर का, जहाँ ये होता है, रियल में ऐसा होता है। शिक्षा माफिया जो होते हैं, शिक्षा माफिया जो प्राइवेट स्कूल अपना बना करके और जो सरकारी स्कूल है उनकी कितनी दुर्गति करते हैं और किस तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा का जो है व्यापार चलाते हैं, वो एक बड़ा दुखद है हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो उस पर जब सब्जेक्ट इन्होंने सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जिसको जिसको ये बात कही कि मैं ये फिल्म करने जा रहा हूँ, तो सभी लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इस विषय पे फिल्म बननी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि इस फिल्म की हीरो और हीरोइन दोनों आम्रपाली जी हैं और वो शिक्षा माफिया में जिसको सुधारती है, तो इस तरह की फिल्म है। पर मेरा कैरेक्टर जो है रोमियो राजा, वो नाम से ही पता चलता है कि रोमियो राजा, राजा है, रोमियो है। और बहुत मजेदार फिल्म है, प्यार में सुधरता है, सब सुधर जाते हैं प्यार में, अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। तो ये भी सुधर जाता है जो अपने पिताजी के साथ में मिल करके और शिक्षा का व्यापार चला रहा होता है, वो कैसे प्यार में पढ़ के और फिर सारी चीजें अच्छी होती है, ये मूल कहानी है। पर इसका जो ताना बाना बुना गया वो इतना बढ़िया, हमारे मनोज नारायण जी जिनके साथ अभी मेरी फिल्म आई थी शेर हिंदुस्तान, इन्होंने रचा है, कि हमारी ऑडियंस को फिर से, मैं तो ये कहूँगा कि फिर से निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी फिल्म देखने को मिलने जा रही है उनको, जितना उनको खुशी मिली थी निरहुआ हिंदुस्तानी देख के और निरहुआ हिंदुस्तानी करके जितना मुझे अच्छा लगा था, अब जब मैं रोमियो राजा का पार्ट बना हूँ और रोज जब हम उस पर काम कर रहे हैं उसके कहानी पे, उसके गाने पे, तो मुझे वही फीलिंग आ रही है जो निरहुआ हिंदुस्तानी बनाते समय। सर तो कहीं ना कहीं क्या कुछ सीन आपका नेगेटिव रोल भी होगा, कुछ फल्ला है अपने आप में? ये नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव ये बात ही नेगेटिव है कि शिक्षा का व्यापार कर, मैं एक बड़े बाप का बेटा हूँ, प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ और डिग्रियां बेचता हूँ। कोई आता है अगर पढ़ने के लिए हमारे सरकारी स्कूल में, तो मैं उनको कहता हूँ कहाँ वहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, आओ कौन सी डिग्री चाहिए मैं बना के देता हूँ। इस तरह का आदमी तो नेगेटिव ही हुआ, पर ऐसा आदमी कैसे सुधरता है जब उस गांव में एक पढ़ी लिखी समझदार और जागरूक लड़की आती है जिसको ये समझ है कि सब कुछ का व्यापार होना चाहिए, शिक्षा का व्यापार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा का व्यापार हुआ तो ये हमारे देश के लिए इससे दुखद दौर नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं आम्रपाली जी। आम्रपाली जी बताइए अपने।